हमें अच्छे दोस्त शिक्षक मिले, ऐसे स्कूल शिक्षक और प्यारे दोस्तों हम अलविदा कहने वाले हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, जहां हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे। लेकिन हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता ही है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे वो पुराने दिन आज आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक के सभी पल मुझे अच्छे से याद हैं। जैसे मैं दोस्तों के साथ मज़े करना, खूब खेलना, पढ़ाई करना, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ना, स्कूल ना आना और बहुत सारे बहाने कर देते थे। शार्दूल विक्रीडित चंद में दसम की छात्रा, आज हम लोगों की विदाई है, लेकिन इस विदाई के पहले मैं कुछ शब्द इस विद्यालय के बारे में, इस विद्यालय के शिक्षकों के बारे में कहना चाहूँगी। वास्तव में इस विद्यालय के जैसा कोई विद्यालय नहीं है और यहाँ के शिक्षकों के जैसा कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ के शिक्षकों ने ना केवल हमें शिक्षा दी है बल्कि समय समय पर मुझे मार्गदर्शन दिया है, संस्कार दिए हैं। और इतने सालों तक तो सभी के कोई ना कोई आइडियल टीचर, फेवरेट टीचर बन ही जाते हैं, और मेरे आइडियल टीचर बने हैं चंदन सर, जो कि शिक्षा को ना केवल बेहतरीन ढंग से हमें दिया है बल्कि कई कहानियों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ के सभी शिक्षकों को तहे दिल से शुक्रिया, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और ध्यान दिया है। धन्यवाद। नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी असह सुख करी विद्या गुरु राम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमन विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु आएंगे ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे याद आएंगे सब याद आएंगे जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था बने आपके जैसे ये दिल ने सोचा था जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था बने आपके जैसे ये दिल ने सोचा था सपनों में जो पंख लगे हैं उड़कर हम दिखलाएंगे उड़कर हम दिखलाएंगे जो दिल है गुजारे साथ साथ वो बाद आए। मूल्य धन के रूप समय निकालकर जो हमारे बीच आए, आज का दिन बहुत ही दुखों का दिन है। जैसे कि मानो तो एक पिता से बेटे का बिछड़न या फिर एक पिता से बेटी का बिछड़न। हम यहाँ पे 2 साल बिताएं, चाहे ऐसे भी छात्र होंगे या फिर ऐसे भी दोस्त होंगे जो यहाँ पे 4 साल भी बिताए होंगे। इन 2 साल में टीचरों के साथ एक ऐसा संबंध बन गया जैसे एक बेटे का अपने पिता के साथ होता है। ऐसा भी होता है कि हम अपने पापा के साथ कुछ बातें बोलने से डरते हैं, बट यहाँ पे टीचरों के साथ फ्रेंडली हो गया है कि कुछ भी बात बोलो तो अंदर से लगता है कि हम एक दोस्त से बात कर रहे हैं, खुल के शेयर करते हैं यहाँ पे। मतलब 2 साल में हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना है जैसे लगता ही नहीं कि यहाँ के फिर छोड़ के जाएं कहीं। जैसे बोला जाता है ना कि सर बताए हैं कि जब तुम मंजिल में आगे बढ़ते हो तो ठोकरे मत खाना, बस चलते रहना, तब तक चलते रहना जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे एक रास्ता एक ही जगह रह के व्हीकलों को एक ही जगह रह के हर एक गाड़ियों को उसकी मंजिल तक पहुंचा। आंखों में अश्क है मगर ओठों पे मुस्कान है, आंखों में अश्क है लेकिन ओठों पे मुस्कान है,
बच्चों की तरह पाला जिन्हें, बच्चों की तरह पाला जिसे, आज छोड़ना उसे मजबूर है, आज छोड़ना उसे मजबूर है। गिले शिकवे भुला जाओ, गिले शिकवे भुला जाओ, आज कहाँ किसी का कसूर है। आज आँखों से तुम दूर हो, आँखों से तुम दूर हो पर दिल सदा, आँखों से तुम दूर हो पर दिल में सदा तुम बसे रहोगे। आँखों से तुम दूर हो पर दिल में सदा बसे रहोगे। हमारी दुआ है तेरे साथ, हमारी दुआ है आप सबके साथ, जिंदगी में सदा हंसते रहोगे। हमारा 60% से कम मार्क्स नहीं आता है और आज हमारी विदाई है, तो मैं आप लोगों के बीच एक छोटी सी फेयरवेल मतलब विदाई गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़ कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम याद भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। पड़े जरूरत हमसे कहना तारीख तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे।